हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल आईटीआई नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के टॉप मोस्ट 30 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए, जो कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसके साथ ही एनसीवीटी से रिलेटेड ऑल मैकेनिकल सेकेंड ईयर्स के ट्रेनीज के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे लिए। व्हाट इज कॉल्ड द चेंज इन परिमिट लेंथ ऑफ ए बॉडी। यदि किसी वस्तु की प्रति इकाई लंबाई में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेन यानी कि विकृति। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के परिमिट लेंथ में परिवर्तन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विकृति यानी कि डिफॉर्मेशंस। एक चीज और हम बता दें कि जो ये डिफॉर्मेशन होता है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो यहां से हमको स्ट्रेन से या फिर विकृति से इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है कि इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे लिए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लुब्रिकेंट्स, स्नेहक का लाभ कौन सा होता है। तो हम आपको दोस्तों बता दें कि जो लुब्रिकेंट्स है किसी भी मशीन या कंपोनेंट्स में जब वो चल रहे होते हैं तो उनके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होता है, उसके कारण बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और उनके बीच में आपस में वो चलते हैं तो उसके कारण फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम जो है लुब्रिकेंट्स या लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें लुब्रिकेशन करने से क्या फायदा है, यहाँ पर जो चार ऑप्शन है कि मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है, मशीन की गति बढ़ जाती है, मशीन की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें लुब्रिकेशन करने से बढ़ जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन। एक वस्तु द्वारा अनुभव किया गया घर्षण किस पर डिपेंडेंट या किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम बता दें कि वस्तु की लंबाई पर, वस्तु की ऊंचाई पर, वस्तु की प्रकृति पर, वस्तु की मोटाई पर। तो हम आपको बता दें कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन सेल्फ ऑनली डिपेंड करता है वस्तु की प्रकृति पर, यानी कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे लिए कि द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टार्ट मोशन बेंडिंग टू सर्फेसिस इज नोन एज। दो सतहों के बीच गति प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल क्या कहलाता है। तो हम आपको बता दें यदि हमारे पास दो सरफेसेस हैं और उनके बीच में यदि हमें मोशन स्टार्ट कराना है तो उसके लिए जो हमें मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है एंड ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है अल्टीमेट फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड 1 एंड 2 दोनों। तो यहाँ पर हम बता दें कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 एंड 2 दोनों। यहाँ पर इन दोनों को हम जो है सीमांत घर्षण बल और चरम घर्षण बल एक ही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 एंड 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे लिए। जब दो पिंड एक दूसरे को स्पर्श करते हुए साम्यावस्था में हो तो इस स्थिति में उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण बल क्या कहलाता है। तो when two object are in equilibrium touching each other, in this case the force of friction at their point of touch is called। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होते हैं उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या स्थैतिक घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे लिए। व्हिच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन। ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्पेस फीड सिस्टम एंड द वेलोसिटी फीड सिस्टम। तो हम आपको बता दें कि जो लुब्रिकेशन की प्रोसेस करते हैं उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी ये चार क्या होती हैं मेथड्स होती हैं। और इन मेथड्स में जब हमको यदि ऑयल होल्स की बात होती है तो ऑयल होल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटी फीड सिस्टम को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रेविटी फीड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे लिए। विच इज डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शनल फोर्सेस, जो घर्षण बल पर निर्भर करता है। धातुओं का प्रकार, संपर्क सतह, संपर्क धातुओं की मात्रा, धातुओं की
गुणवत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्टैक्ट सरफेसेस। कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट करता है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, कॉन्टैक्ट सरफेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे लिए कि हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड, घर्षण के गुणांकों को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो चीजों का अनुपात होता है जिसको कि हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां अगर हम बात करें म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन आर। ये जो एफ हमारे लिए होता है ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड आर होता है नॉर्मल रिएक्शंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ वेट एंड नॉर्मल रिएक्शंस। तो यहां पर ये जो वेट लिखा हुआ है, वेट मतलब कि एक प्रकार का बल ही होता है, तो इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स एज ए कंसीडर कर सकते हैं। और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लिखा हुआ है डिवाइडेड में, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो होता है एफ अपॉन आर, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे लिए, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। बाती फीड में किस प्रकार के स्नेहल का उपयोग किया जाता है स्नेहल प्रणाली में। तो हम बता दें कि विक फीड सिस्टम होता है, विक फीड सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं कटिंग ऑयल का। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कटिंग ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे लिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ लुब्रिकेंट, स्नेहक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो स्नेहक हैं मशीन को ऊर्जा प्रदान करने का काम नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टू गिव एनर्जी टू द मशीन। बाकी जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग होने से बचाते हैं, और साथ ही साथ जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट प्रोड्यूस जो होती है उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये भी काम लुब्रिकेशन सिस्टम का होता है। 11 है हमारे लिए, फ्लूइड्स आर लुब्रिकेंट्स, द्रव स्नेहक कौन सा है। तो हम आपको यहां पर बता दें कि जो मिनरल ऑयल्स होते हैं, मिनरल ऑयल्स जो है लिक्विड कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि द्रव स्नेहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे लिए, लुब्रिकेंट्स आर यूज फॉर द क्लाइंग पर्पस, स्नेहक को निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन एब्जॉर्ब हीट बोथ 1 एंड 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 एंड 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास में, आ 60 किलोग्राम ऑफ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, इफ द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ 0.25 देन इट विल रिक्वायर हाउ मच मिनिमम फोर्स टू डिस्टर्ब इट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशंस। यदि हमारे पास में एक 60 किलोग्राम का बॉडी है और उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.25 है, तो उसे चलाने के लिए हमें कितने मिनिमम फोर्स की आवश्यकता होगी। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्मूले से। हमारे लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू एफ बाई आर। अब हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.25 एंड हमें यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर ये 60 किलोग्राम की एक बॉडी है जो कि सतह पर रखी हुई है। यदि हम कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमारी सरफेस है और यहाँ पर एक ये बॉडी जो है रखी हुई है, यहाँ पर हमें ये फोर्स अप्लाई यानी कि एफ हमको कैलकुलेट करना है, और इस साइड में एफ यानी कि एफ डैश फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। इसके अपोजिट जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की दिशा में, मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट जो है काम करता है, और इस पे जो इस बॉडी का जो वजन है वो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करेगा, जो कि ये हो जाएगा 60 किलोग्राम। तो हम आपको बता दें कि उतना ही बल ऊपर नॉर्मल रिएक्शन के तौर पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर लगता है, जिसको कि हम ये बोलते हैं आर यानी कि नॉर्मल रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि म्यू हमें 0.25 दिया हुआ है और हमें एफ डैश यानी कि एफ डैश को कैलकुलेट या एफ को कैलकुलेट करना है, और आर जो है यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आर है हमारा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ अपॉन 60, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 0.25 इंटू
60, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, यानी कि ये हो जाएगा 15 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 15 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हीट व्हाट विल यूज्ड इन मशीन, घर्षण तथा ऊष्मा को कम करने के लिए मशीन में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, ग्रीस, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, तो ऑल ऑफ दीज, इन सभी का हम जो है फ्रिक्शन और हीट को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 30 किलोग्राम इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। अब यहां पर थोड़ी सी कंडीशंस इस क्वेश्चन में अलग है, हमें यहां पर म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.0125, और हमें यहां पर दिया हुआ है किसी वस्तु का वेट यानी कि डब्ल्यू हमें दिया हुआ है 30 किलोग्राम, तो कितना स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर W कैलकुलेट करना है और हमें बल की मात्रा हमको दी हुई है, यहाँ पर हमको F दिया हुआ है 30 और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है W। तो W इक्वल्स टू क्या होता है, R होता है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हमको पता है फॉर्मूला F इक्वल्स टू F बाई R होता है, म्यू इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 0.0125 एंड F हमें दिया हुआ है 30 एंड R will be equals to W, तो ये हो जाएगा W, तो W equals to हो जाएगा 30 divided by 0.125। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 4 times 0 divided by 125। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2400। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2400, 2400 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे लिए, ऑकर्स ड्यू टू फ्रिक्शंस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, मशीन के घूमने वाले भागों के मध्य घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो जो कोई भी मशीन्स होती है, मशीन्स के जो मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनके मूव करने के कारण वहां पर जो है दोस्तों हीट जनरेट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हीट। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम आपको बता दें जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि हमारे पास भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, यहां पर इसका वेट W कार्य करता है और इसके ऊपर यहाँ पर इसकी नॉर्मल रिएक्शंस काम करती है जो कि एक दूसरे के इक्वल है ना, अपोजिट होते हैं। यदि इसकी डायरेक्शन इस दिशा में पी फोर्स लग रहा है तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहाँ पर F फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो हम बता दें जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा कोण होता है जो कि नॉर्मल रिएक्शंस और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, यानी कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट यानी कि जो परिणामी बल होता है, परिणामी फोर्स होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं फाई से, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है या इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शंस का जो रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शंस के साथ में जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड लुब्रिकेंट, निम्न में से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो सॉलिड लुब्रिकेशन सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों जनरली आता है ग्रेफाइट, तो इसको हम बोल इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे लिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय, तो हम आपको बता दें कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अभी हमने आपको समझाया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है F बाई R, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज,
सीजे सिस्टम में गुरुत्वीय त्वरण की इकाई क्या होती है? तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक ऐसा एक्सीलरेशन होता है जो कि अर्थ सरफेस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। अर्थ सरफेस प्रत्येक ऑब्जेक्ट के को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में हम आपको बता दें कि सी जी और एस, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एम का मतलब होता है सेकेंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेंटीमीटर किस में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेंटीमीटर है वो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे लिए, नेपियर सिस्टम यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज। अभी हमको जो है सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की इकाई यानी कि यूनिट हमें बताना था, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो यूनिट है एफपीएस सिस्टम में हमको बताना है। तो हम सिंपली यहां पे देख सकते हैं ये जो एफपीएस है, एफपीएस एफ का मतलब होता है फुट और पी का मतलब होता है पाउंड एंड एस का मतलब होता है सेकंड। तो यहां से हम जनरली देख सकते हैं कि इनकी इकाई में किस में फुट पाउंड या फिर सेकंड लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए, बैलेंस इज द टाइप ऑफ, जो संतुलन है संतुलन के कितने प्रकार होते हैं? तो हम आपको बता दें कि जो बैलेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a^n। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/a^n है, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, जब हम यहाँ पर ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है a^-n, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, a^-n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे लिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड कोन इज ऑन इट्स वर्टिकल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स बेस। ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र उसकी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर उसके आधार से कितनी दूरी पर होता है? तो जो हमारे पास में सॉलिड सर्कुलर कोन होती है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा उसके बेस से हाइट का 1/4 होने पर होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, h/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे लिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमिस्फीयर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ खालिस्तान फ्रॉम इट्स बेस ऑन इट्स वर्टिकल रेडियस। किसी अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र उसकी ऊर्ध्व त्रिज्या पर उसके आधार से कितनी दूरी पर होता है? तो हम यहाँ पर हेमिस्फीयर के लिए बता दें कि हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो होता है उसके बेस से 3r/8 दूरी पर, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3r/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे लिए, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। यदि हमारे पास में कोई सेमी सर्कल है और उस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, d=12 सेंटीमीटर, तो यदि हम इसकी रेडियस बताएं तो रेडियस इसकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेमी सर्कल है सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, जो सेमी सर्कल है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है 4r/3π। हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × r, हमने कैलकुलेट कर लिया 6, 3 × π की वैल्यू होती है 22/7। यदि हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 6 × 7/3×22। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 28/11। अब ये इसका हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे लिए 2.54। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, स्टेबल या स्थायी संतुलन किसे कहते हैं? वस्तु चल रही है, वस्तु घूम रही है, वस्तु को विस्थापित करने पर वापस पुरानी स्थिति में वापस आ जाए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसी कंडीशंस होती है जिसमें कि यदि हम एक ऑब्जेक्ट को यदि एक पोजीशन से मूव करें तो वो वापस पुनः
रिटर्न होकर के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑब्जेक्ट शुड रिटर्न हिज लास्ट पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे लिए, इक्विलिब्रियम के प्रकार होते हैं, इक्विलिब्रियम टाइप। तो हमने आपको बता दिया कि जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो? यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम इसी प्रकार से न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। All the best and very, very thanks.